class 4 subject mathematics unit number 3 common fraction exercise number 6 page number 47 the topic is addition of two or more common fraction exercise number 6 find the sum question number 1 is थ्री अपॉन एट प्लस फोर अपॉन एट स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है और न्यूमिनीटर जो है वो चेंज है अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम वन टाइम ही लिखेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर एट है जो कि सेम है तो हम ऐट को वन टाइम राइट कर देंगे अब इसके बाद थ्री एज इट इज़ राइट करेंगे प्लस फ़ोर एज इट इज़ राइट करेंगे अब इसके बाद इज इक्वल टू बनाएंगे ऐट को हम अगेन एज इट इज़ राइट कर देंगे इसके बाद थ्री में फोर को प्लस करेंगे तो कितने होंगे सेवन तो हमारा आंसर है सेवन अपॉन ऐट क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास इलेवन अपॉन ट्वेंटी एट प्लस एलेवन अपॉन ट्वेंटी एट प्लस थ्री अपॉन ट्वेंटी एट इस्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थ्री डिजिट में फ्रैक्शन दिए गए हैं आपको और इनके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है और डिनिनेटर चेंज हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वन टाइम राइट कर देंगे तो डिनोमिनेटर ट्वेंटी एट सेम है तो हम इसको वन टाइम राइट कर देंगे इसके बाद जो न्यूमिनेटर हैं उनको हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे एलेवन प्लस इलेवन प्लस थ्री अब इसके बाद स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बनाकर 28 ट्वेंटी एट जो है उसको हम एज इट इज़ राइट करेंगे और न्यूमिनेटर जो है उनको प्लस कर देंगे तो कितने होंगे ट्वेंटी फ़ाइव ट्वेंटी फ़ाइव अपॉन ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स इस वीडियो से रिलेटेड ये आपका होमवर्क है जो आप घर बैठकर सॉल्व करेंगे और इसके असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करके आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे मजेद समझने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़